हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोटो में। आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपडेटेड महिंद्रा एक्सीवी 700 के बारे में। अपडेट क्या हुआ है सामने देख लो भाई, ग्रिल इसकी पूरी ब्लैक हो चुकी है। साइड में आओगे ना तो यहाँ पे एलॉयज भी पूरे ब्लैक हो चुके हैं, मतलब ये नया कलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है महिंद्रा ने, पूरा ब्लैक कलर है जो लोगों को बेहद पसंद आने वाला है। बिकॉज टाटा सफारी के अंदर डार्क एडिशन आता है तो महिंद्रा भाई पीछे कहाँ रहने वाली थी, तगड़ा कॉम्पिटिशन है। अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो 13,99,000 एक्स शोरूम से इसका बेसमेंट स्टार्ट होता है और टॉप चला जाता है 26,99,000 एक्स शोरूम तक। अभी आपके सामने XEV 700 का AX7 वेरिएंट खड़ा हुआ है, इसके ऊपर AX7 लग्जरी पैक आता है। तो आज इसी AX7 के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन फीचर्स देन प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक, मैनुअल प्लस ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात की इसके इंजन की, वो भी आपको मिलते हैं दो तरह के, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का टर्बो डीजल। अभी आप देख रहे हैं इसके डीजल इंजन को 182 BHP की पावर और 420 Nm का टॉर्क निकालता है। अगर आप चले जाएंगे ऑटोमेटिक में तो वहां पे आपको मिलेगा 450 Nm का टॉर्क। अगर आप सबसे बेस MX वेरिएंट में जाएंगे तो वहां पे आपको पावर थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, वहां पे आपको मिलेगी 155 BHP और 360 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो आराम से 14 से 15 तक निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ आपको की मिलेगी लॉक अनलॉक, यहाँ पे बूट अनलॉक करने का बटन है, यहाँ पे मिलती है आपको फ्लिप की, पीछे आपको मिल जाएगी महिंद्रा की ब्रांडिंग, जो दूसरी की है सेम आपको यहाँ पे स्मार्ट की दी जा रही है। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर के अंदर। तो भाई फ्रंट से देख लो, ग्रिल काफी बढ़िया मस्कुलर सी, यहाँ पे महिंद्रा की ब्रांडिंग, यहाँ पे कोई क्रोम कोई सिल्वर फिनिश आपको नहीं मिलने वाली है, काफी बढ़िया माफिया जैसे लुक्स इसके सामने से नजर आ रहे हैं। अगर इसके हेडलैम्प्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको LED DRL, LED हेडलैम्प्स, इसी के अंदर आपको फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। नीचे बम्पर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलेंगे फॉग लैंप्स जो कि LED रहने वाले हैं, बाकी ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ भी आते हैं, जिधर का स्टीयरिंग मूव करेंगे उधर ये चल जाते हैं। सामने बैठ के ऐसा कुछ फ्रंट फेसर नजर आएगा। 200 mm का है ग्राउंड क्लियरेंस, नीचे आपको एडास का रडार भी देखने को मिलता है। ये तो गई फ्रंट फेसे की बात, और बोनट देख लीजिए ऐसा कुछ आपको मिलेगा। इसके वाइपर्स और हेडलैम्प दोनों आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक, और विंडशील्ड के ऊपर आप देख लो यहाँ पे आपको मिल जाता है कैमरा, एडास लेवल 2 आपको दिया गया XEV 700 के अंदर। यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ, रूफ रेस और पीछे आपको मिलेगा शार्क फिन एंटीना। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो भाई साइड से भी देख लो काफी माफिया लुक्स आपको नजर आने वाले हैं, बिकॉज इसके जो अलॉयज हैं जो कर दिए गए पूरी तरह से ब्लैक इस डार्क एडिशन के अंदर। डायमेंशंस की बात की जाए तो 4,595 mm लेंथ है, 1,890 mm इसकी विड्थ है और 1,755 mm आपको हाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 18 इंच की ये ब्लैक फिनिश में अलॉय देखने को मिलते हैं। सेंटर में आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग, महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा। अगर इसके टायर्स की बात की जाए तो वो आपको मिलेंगे ब्रिजस्टोन के। टायर सेक्शन देख लीजिए 235/60R18 का देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको क्लैडिंग वगैरह देखने को मिलेगी काफ़ी पतली सी। अब बात करते हैं इसके आउटसाइड मिरर्स की। यहाँ पे भी एक न्यू फीचर ऐड किया गया है, जैसे कि इसमें मेमोरी सीट्स आती है ना, तो यहाँ मिरर्स में भी आपको मेमोरी फंक्शन देखने को मिल जाएगा। टायर इंडिकेटर की प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक भी आप इनको फोल्ड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और ये है इसके यूनिक फोल्डेबल डोर हैंडल्स। अगर इसका फ्रंट डैशबोर्ड दिखाऊं तो ऐसा कुछ आपको प्रीमियम डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कनेक्टिंग डिस्प्ले है पूरी एक में मर्ज, मतलब टच इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लस्टर, एंड इसको अभी आगे प्रॉपर कवर करेंगे। चारों पहियों में आपको मिलेगी डिस्क ब्रेक XEV 700 के अंदर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसी के ऊपर आपको दिया गया फ्यूल फिलर कैप, यहीं से डलवाएंगे पेट्रोल और डीजल। गाड़ी अनलॉक होने पे बाहर से ही ओपन हो जाता है। अभी देख रहे हैं डीजल को, यहाँ पे यूरिया वगैरह डालना पड़ेगा। 60 लीटर की आपको मिल जाती है टैंक कैपेसिटी। यहाँ पे आपको मिलेगी एड्रेनोएक्स की बैजिंग जो कि महिंद्रा के कनेक्टिंग फीचर्स हैं। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो भाई टेलगेट देख लो इसका, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इसके टेलगेट के ऊपर। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके रूफ से। तो यहाँ पे आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना, रूफ रेस, पैनोरामिक सनरूफ, यहाँ पे स्पॉयलर, हाई मोड शॉप लैम्प, यहाँ पे आपको डिफॉकर्स की प्लेसमेंट, ये इसका वाइपर, एंड नीचे देखेंगे तो यहाँ पे महिंद्रा की ब्रांडिंग है, महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे आपको मिलती है रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इसके टेल लैंप्स की, जो आपको मिलने वाले LED में फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। नीचे देखेंगे तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट, सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है स्पेयर व्हील एंड एग्जॉस्ट टेल पाइप वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको XEV 700 और AX7 इसके वेरिएंट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब चलिए इसका बूट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। तो यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, जिसको प्रेस करके आप अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर स्पेस की बात करें तो लगभग आपको मिल जाता है यहाँ पे 220 लीटर का बूट स्पेस। जाहिर सी बात है भाई 7 सीटर कार है तो इतना ही कुछ स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलती है पूरी टूल किट, एंड जो पीछे वाली सीट्स है ना वो भी आप फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि अच्छा खासा स्पेस बन जाएगा कम लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ नीचे आपको दिया गया लीवर जिसके थ्रू आप अपनी सीट को फोल्ड कर सकते हैं। लेदर की सीट्स मिलती हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी दो दो हेडरेस्ट हैं
और आपको 50-50 वाला रेशियो मिल जाता है इनको फोल्ड करने के लिए। ये रहा इसका फ्रंट डैशबोर्ड एंड अंदर से देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। अब चलिए इसके बूट को कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके रियर सीट्स की तरफ, मतलब सेकेंड रो में। वहाँ पर बैठ के आपको पूरा सीटिंग कम्फर्ट, लेग रूम, हेडरूम दिखाते हैं। तो ये रहा इसके फोल्डेबल डोर हैंडल्स। अगर आप टॉप में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स मिलते हैं, गाड़ी अनलॉक होने पे अपने आप ओपन हो जाएंगे। एंड ये रहा इसका पूरा डोर ट्रिम जो कि डुअल टोन कलर में देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। ये डोर ओपनर, पावर डोर के कंट्रोल्स, यहाँ पे पूरा ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। सेकेंड रो में इतना कुछ आपको मिलेगा, लेग रूम, हेड रूम। ये 6-सीटर वेरियंट है तो यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स मिलती हैं, लेदर की सीट्स हैं, पूरा स्पेस आप देख लीजिए। एंड ऊपर आपको दी जा रही है पैनोरामिक सनरूफ। अब चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। तो आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, पहले आप नी रूम देख लो, लेग रूम देख लो, मतलब अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट भी एक नंबर का है भाई। बाकी ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलती हैं LED लाइट्स, ये इसका ग्रैब हैंडल, कोट हुक। एंड सेंटर में आपको रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे मिलता है कुछ स्पेस, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है। और इनकी जो कैप्टन सीट्स है ना, इनमें आपको सेपरेट आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके फ्रंट डैशबोर्ड की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलता है पूरा डुअल टोन कलर में। अभी आप देख रहे हैं इसके मैनुअल ट्रांसमिशन को, आप इसको ऑटोमेटिक में भी ले सकते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, अभी इसको बाद में कवर करेंगे, पहले चलते हैं इसके थर्ड रो में। तो ये रहे इसके डोर हैंडल्स। थर्ड रो में जाने के लिए इस वाली सीट को आपको फोल्ड करना पड़ेगा, नीचे आपको मिल जाता है लीवर, जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो पूरी सीट जो है फोल्ड हो जाती है, मतलब टंबल हो जाती है। और इतना अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है इसके थर्ड रो में जाने के लिए। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के पूरा स्पेस आपको दिखाते हैं। तो बीच वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। इतना कुछ आपको मिलेगा नी रूम, लेग रूम भी देख लीजिए, मतलब बच्चों के लिए परफेक्ट है। अगर एडल्ट बैठेंगे ना थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। ये AC के वेंट्स आपको थर्ड रो में भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ब्लोअर के कंट्रोल्स, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे बॉटल होल्डर, ऊपर आपको मिलता है ग्रैब हैंडल, कोट हुक। पीछे आपको मिलेंगे हेडरेस्ट जो कि एडजस्टेबल रहने वाले हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इधर भी देखेंगे सेम AC के वेंट्स, यहाँ पे बॉटल होल्डर और यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर आपको मिलेंगे ग्रैब हैंडल और ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड। आप चलिए चलते हैं बाहर और सीट को लगाते हैं अपनी जगह पे और चलेंगे इसके फ्रंट ड्राइवर सीट के ऊपर, वहाँ पे बैठ के सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो इस सीट को ऐसे आप अपनी जगह पे लगा सकते हैं और डोर को करते हैं क्लोज। तो ये रहा इसका फ्रंट डोर हैंडल। अगर इसके डोर ट्रिम की बात की जाए तो सेम आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक और मेमोरी सीट्स के बटन भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। ये इसका डोर ओपनर, यहाँ पे आपको मिलते हैं ये सीट्स के बटन। इलेक्ट्रिक पे आप इनको अर्ज कर सकते हैं आगे पीछे, ऊपर नीचे, हाइट वगैरह। ये देख लीजिए रिक्लाइन वगैरह भी आप यहीं से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको मेमोरी सीट्स के बटन देखने को मिल जाएंगे। चारों पावर डोर के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे, लॉक अनलॉक का बटन है, ORVM के सारे कंट्रोल्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं, फोल्ड भी आप यहीं से कर सकते हैं। ये इसका ग्रैब हैंडल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है ट्विटर्स की प्लेसमेंट। फ्रंट कैबिन की बात की जाए तो आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं उनको भी आप एडजस्ट कर पाओगे। एंड ये लेदर की सीट्स, ये रहा इसका फ्रंट डैशबोर्ड। और सीट्स के ऊपर आपको दी गई एयरबैग्स की बैजिंग, यहाँ पे आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे। ये रहे इसकी लेदर की सीट्स। व्हाइट कलर की अपोस्ट्रोफी है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा, लंबर सपोर्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मैनुअल ABC पेडल्स, बोनट आप यहाँ से खोल सकते हो। ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको आइडलेस स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन, और यहाँ पे आपको मिलता है हेडलाइट लेवलर। ये रहे इसके AC के वेंट्स। अब चलिए अंदर बैठेंगे और अंदर से बैठ के सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो फ्रंट ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको नजर आने वाला इसका फ्रंट डैशबोर्ड। अब चलिए गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपको इंजन, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो फुली डिजिटल क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है, 10.25 इंच का है क्लस्टर और टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों एक ही में मर्ज है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, बीच में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर देखेंगे टाइम वगैरह शो कर रहा है, बाकी एडास की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। बाकी दोनों साइड देखेंगे इंजन टेम्परेचर, एक तरफ फ्यूल गेज, एंड इस MID को आप यहाँ दिए गए बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज, बाकी और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे कि सेटिंग, डिस्प्ले लेआउट, ड्राइवर असिस्ट, नेविगेशन, व्हीकल इन्फो, फ्यूल इन्फो, ड्राइव इन्फो, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तो गई क्लस्टर की बात। अब बात करेंगे इसके स्टीयरिंग की, जो आपको मिलता है डी कट शेप में, पूरा लेदर फिनिश है, सेंटर में महिंद्रा की ब्रांडिंग, मल्टीमीडिया कॉल के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और MID के बटन दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स, इधर आपको देखें ऑटोमेटिक हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स। एंड नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है लीवर,
जिसके थ्रू आप अपनी स्टीयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा लेदर पे स्टीयरिंग है, ग्रिप आपको काफ़ी बढ़िया से देखने को मिल जाती है। ये तो गई स्टीयरिंग के बाद, अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10.25 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, यूएसबी सब कुछ देखने को मिलेगा। एड्रेनो एक्स के यहाँ पे कनेक्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चले जाएंगे टॉप में, मतलब लग्जरी पैक में, तो वहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है XEV 700 के अंदर। बाकी बहुत सारे ऐप्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका एक्सेस। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो इसका कैमरा देख लीजिए। इसकी जो क्वालिटी है इसको थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, उतनी अच्छी नहीं है। और अगर आप लग्जरी पैक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सोनी के 12 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं XEV 700 के अंदर, जिसका साउंड आउटपुट एक नंबर का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ताकि इसके अंदर भी आपको 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स देखने को मिलते हैं। ये तो गए टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात। यहाँ पे आपको एड्रेनो एक्स की बैजिंग देखने को मिल जाएगी नीचे, एंड नीचे आपको दिए गए यहाँ पे एसी के वेंट्स। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है डुअल जोन एसी, दोनों साइड की टेम्परेचर आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे हैजार्ड का स्विच, यहाँ पे देखेंगे तो व्यू का बटन। बाकी XEV 700 के अंदर 3 ड्राइव मोड भी आते हैं, जिप, जैप, जूम, आप इनका मजा ले सकते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस, यहाँ पे भी आपको अंदर कुछ स्पेस मिल जाती है। दो USB पोर्ट्स हैं साइड में। और ये रहा इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, आप इसको ऑटोमेटिक में भी ले पाएंगे। एंड बगल में देखेंगे तो मैनुअल हैंड ब्रेक है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट बटन देखने को मिल जाता है, म्यूजिक वगैरह, कॉल वगैरह आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बोटल होल्डर, और ये इसका आर्मरेस्ट भाई काफ़ी बड़े साइज में, अंदर आपको डीप स्टोरेज मिल जाएगा। एंड ऊपर जो ये ट्रे है ये की रखने के लिए आपको यहाँ पे मिलती है, इसको कर देते हैं क्लोज। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको डिसेंट स्पेस दिया जा रहा है। बाकी ऊपर भी आपको सेपरेट स्पेस देखने को मिल जाता है। एयरबैग्स की बात की जाए तो 6 एयरबैग आपको मिलेंगे फ्रंट में, पिलर्स पे, सीट्स पे, तो सेफ्टी के पर्पज से एक नंबर है भाई ये। मैनुअल डे नाइट IRVM। इधर सनवाइजर में देखेंगे तो आपको कोई मिरर नहीं मिलता है। अगर को ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको जरूर दिया जा रहा है विद कवर, मतलब कवर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर, एंड सेंटर में आपको यहाँ पे LED लाइट्स मिलती हैं जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बीच में आपको मिलेगा पैनोरामिक सनरूफ का बटन, महिंद्रा इसको स्काई रूफ बुलाती है, काफ़ी बड़े साइज में है। मून रूफ, सनरूफ दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी XEV 700 को 5-star की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, 6 एयरबैग आपको मिलने, टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे 7 एयरबैग्स। तो भाई सेफ्टी की कोई भी कमी नहीं है इस XEV 700 के अंदर। विजिबिलिटी देख लो, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाली है एक नंबर की। ये तो हो गए पूरे इंटीरियर की बात। अब चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसके अंदर आपको ABS विद EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सीट लॉक्स, इंजन इमोबिलाइजर, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और एडास के अंदर आपको फ्रंट कॉलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट, ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्शन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी एयरबैग्स की बात की जाए तो 7 एयरबैग्स आपको मिलेंगे टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। ये तो गई सेफ्टी फीचर्स की बात। प्राइसिंग की बात करें तो अभी आप देख रहे हैं AX7 डीजल 6-सीटर वेरिएंट को 22,04,000 एक्स शोरूम और लगभग 25.5 लाख रुपए की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। तो ये थी महिंद्रा XEV 700 डार्क एडिशन। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।